गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. दिस इज रश्मि सिंह फ्रॉम VS मेमोरियल पब्लिक स्कूल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास 6 एंड दिस इज द चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, टाइप ऑफ मिक्सचर्स, वाई इज सेपरेशन नेसेसरी, मैथड ऑफ सेपरेशन. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एप्लीकेशन ऑफ मैथड ऑफ सेपरेशन ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर. सो कैसे आपके यहाँ जो पानी आता है, जो आपके यहाँ सप्लाई का वाटर आता है, वो कैसे उसको प्योरीफाई करके सेंड किया जाता है, आपको सप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. टैप वाटर्स सप्लाई टू आर होम्स इज फर्स्ट क्लीन इन वाटर वर्क्स. द प्रोसेस यूज आर एज फॉलोज. सेडिमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन इज फर्स्ट डन टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज. एलम इज देन एडेड टू द वाटर टू सेपरेट द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लोडिंग बाय लोडिंग सॉरी. द वाटर इज देन फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू सैंड फिल्टर्स. जर्म्स आर किल्ड बाय एडिंग क्लोरीन टू द वाटर. सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखिए पूरा आपको फिगर के थ्रू समझाया गया है. सबसे पहले देखिए वाटर जो आपका अंडरग्राउंड से सप्लाई किया जाता है, फिर इस कंटेनर में सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन का प्रोसेस होता है. एलम जो फिटकरी ऐड की जाती है वाटर में, क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी, जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, स्पीड करने के लिए, उसमें एलम ऐड किया जाता है. और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जब एलम के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है और वो जल्दी से नीचे सेटल्ड हो जाते हैं. उसके बाद इस वाटर को सैंड फिल्टर की हेल्प से फिल्टर किया जाता है. फिल्टर का मतलब छानना होता है. ठीक है, फिल्टर के बाद उस वाटर में क्लोरीन के टैबलेट ऐड किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि क्लोरीन के टैबलेट्स की हेल्प से जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो ईजिली मर जाते हैं. और उसके बाद उसको स्टोरेज टैंक में सप्लाई किया जाता है और धीरे धीरे वो आपके घर तक पहुंचता है. आई होप आपने इसको समझा. अब हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड. इवेपोरेशन, वी कैन सेपरेट कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बाय इवेपोरेशन. देखिए बेसिकली हमारे पानी में जो सॉल्ट होता है उसको सेपरेट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है इवेपोरेशन. और इवेपोरेशन के ही हेल्प से हमें सॉल्ट मिलता भी है. अब ये बात कैसे आई इसको समझते हैं. देखिए सबसे पहले यह देखिए, सी वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट. जो आपका सी वाटर होता है इसमें बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही है. अब द सॉल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड इज मोस्टली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर. सी वाटर इज कलेक्ट एंड सॉलो पॉन्ड्स एंड अलाउड टू इवेपोरेट इन द सन. सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. देखिए बेसिकली क्या होता है, जो आपके सी होते हैं उसके चारों, उसके बगल बगल ऐसे मिट्टी के पॉन्ड टाइप बनाते हैं. ठीक है, इसमें सारे वाटर को स्टोर करके रखते हैं. धीरे धीरे जो आपका सनलाइट होता है या जो आपका सन होता है उसकी हेल्प से इसमें जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. और बचता नीचे क्या है, नीचे बचता है क्या, सॉल्ट. और उसके बाद ये लोग उसको इकट्ठा करके एक एक जगह फिर उसको फैक्ट्रीज में भेजते हैं. वो हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते, फैक्ट्रीज में भेजने का उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद हमें सप्लाई किया जाता है. आप इसका फिगर नेट पर सर्च करना तो आपको दिखेगा. सी के चारों किनारे मिट्टी के पॉन्ड्स बनाए जाते हैं ऐसे चारों तरफ, उसमें बीच में उस वाटर को स्टोर किया जाता है. धीरे धीरे इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे बचता है सॉल्ट. अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में. डिस्टिलेशन एक मेथड है जिससे प्योर लिक्विड ऑब्टेन किया जा सकता है. देखिए हम लोग ये जो मेथड्स पढ़ रहे हैं ये किसको सेपरेट करने के लिए पढ़ रहे हैं, सॉल्युबल सॉलिड, मतलब ऐसे सॉलिड्स जो पानी में आसानी घुल जाते हैं उनको कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं. आपने इसके पहले इनसॉल्युबल सॉलिड्स को पढ़ा, सेडिमेंटेशन डिकेंडेशन पढ़ा, फिल्टरेशन पढ़ा, पर अब हमें ये देखना है कि जो चीज़ पानी में घुल जाती है उसको अलग कैसे किया जा सकता है. द सॉल्यूशन इज हीटेड सो द लिक्विड इवेपोरेट्स. द वेपर्स आर देन कूल्ड, दे कंडेंस टू गिव अ प्योर लिक्विड. डिस्टिल्ड वाटर यूज इन लेबोरेटरी इज ऑब्टेन इन दिस वे. A special apparatus is used to get distilled water. Water containing dissolved impurities is kept in the flask. The apparatus called the Liebig's condenser. देखिए basically solution को hit किया जाता है. Hit करने के बाद जो उसमें पानी होगा वो evaporate हो जाएगा. उसके बाद evaporate होने के बाद वो जो evaporate के बाद उसे ऐसा evaporate करते हैं कि उसे एक जगह, जैसे आप लोग ने देखा होगा आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो कोई चीज़ ढक के रखती है, तो जब आप उस ढक्कन को हटाते हो तो उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है ना. वो बूंदें आती कैसी है, जो खाने में वेपर बना होता है, भाप बना होता है, वो उस पर जब थोड़ी देर बाद टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठंडा होता है, तो वो भाप किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में. और किसकी हेल्प से, उसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. जब वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं.
तो डिस्टिलेशन मेथड में यही होता है, पहले तो पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है, लिक्विड को जो इवेपोरेट, जब लिक्विड इवेपोरेट होने लगता है तो जो वेपर है, जो उसमें से भाप निकलता है, उसको ये लोग ठंडा होने के बाद, क्योंकि वो कंडेंस हो जाता है, थोड़े ठंडा होने के बाद छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलने लगती है, जो आपका क्या हो जाता है, प्योर लिक्विड। अब इस मेथड को हम कह, इन्होंने लेबॉरेटरी में कैसे किया जाता है उसका आपको पूरा अपैरेटस शो किया, पूरा इंस्ट्रूमेंट, मतलब इन्होंने टेस्ट ट्यूब लेके आपको बताने की कोशिश की है, नीचे फिगर दिया हुआ। इस अपैरेटस को लेइबक्स कंडेंसर कहा जाता है। अब इसमें है क्या, देखिए सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये एक फ्लास्क है, ठीक है, ये स्टैंड बना हुआ, नीचे बर्नर है, इसमें पानी है, ठीक है। अब इस वाटर को जब गर्म किया जाएगा तो ये इवेपोरेट होगा कि नहीं, इवेपोरेट होगा इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू यहाँ जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे यहाँ कंडेंस्ड होगा, ठंडा होगा, यहाँ आपको छोटी छोटी बूंदें मिलेंगी, और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी यही नीचे बची हुई रह जाएगी, जो गंदगी रहेगी पानी की वो यही बची रहेगी, और जो भाप बन के जाएगा वो आपका क्या है, प्योर वाटर, अब वो इसमें जाके कंडेंस्ड होगा। अब धीरे धीरे जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी, यही आपका क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर या प्यूरिफाइड वाटर। As the water in the flask is heated, it evaporates. The water vapor cools and condenses in the Leibniz condenser. The drops of distilled water formed are collected in another flask. आपने देखा इस मेथड को, सेम आप अपने घर पे डेली देखते, अरे आप लंच बॉक्स लाते हो तो आप देखते हो ना, खाना जब गर्म गर्म पैक होता है, और जब लंच बॉक्स आप लंच में ओपन करते हो तो उसमें वाटर की छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, खाना आपका बहुत गर्म रहता है तो जो वेपर होता है वो उसी में स्टोर हो जाता है, जब जैसे ही खाने का टेम्परेचर नॉर्मल होता है या आपका खाना ठंडा होता है, वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों में। सेपरेटिंग लिक्विड्स, यू हैव सीन द लिक्विड मे बी मिसिसिबल और इमिसिबल, विच इधर, इफ यू विगेसली मिक्स ऑयल विथ वाटर इन द बीकर एंड लेट द बीकर स्टैंड फॉर सम टाइम, द ऑयल एंड द वाटर विल सेपरेट, ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, बाय केयरफुली टिल्टिंग द बीकर इट इज पॉसिबल टू प्योर आउट द टॉप लेयर ऑफ ऑयल, डिकेंटेशन कैन बी यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड। इन्होंने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें ऑयल की थोड़ी बहुत बूंदें डाल दी, अब ऑयल को कैसे अलग किया जाए, इसमें डिकेंटेशन का मेथड ये कहा है कि आप धीरे से ऊपर वाले, क्योंकि ऑयल जब भी आप पानी में ऑयल मिक्स करोगे ना तो वो घुलेगा नहीं, ऊपर की लेयर में उसके ड्रॉप्स बने रहेंगे, तो आप हल्का से ऐसे टिल्ट कीजिए, झुकाइए, और दूसरे बर्तन में ऊपर वाली लेयर अलग कर लीजिए, तो आपको जो ऑयल वाला वाटर होगा वो अलग मिल जाएगा और नीचे का जो प्योरीफाइड वाटर है वो अलग मिल जाएगा। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, इट हैज़ अ स्टॉपर विच कैन बी यूज टू ड्रेन आउट द लिक्विड एट द बॉटम। देखिए ये है, इसमें क्या है, देखिए अब ये पानी है, ये वाटर है, ये ऊपर क्या है, ऑयल है, अब इसमें क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल है, फनल जान ही रहे जो आपकी कोन की तरह शेप है, इसलिए इसे फनल कहा जाता है, सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ से पूरा कंटेनर में बंद कर दी, यहाँ स्टॉपर से लॉक किया, ये अब ये क्या करेंगे, इस स्टॉपर को ओपन कर देंगे, धीरे 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 ये जब सारा पानी यहाँ निकल आएगा, और जैसे इनको लगेगा कि अब ये वाला पानी ऊपर वाली लेयर नीचे आ रही है, वो इस स्टॉपर से बंद कर देंगे, और हमको नीचे क्या मिल जाएगा, साफ पानी, और जो ऑयल वाला वाटर रहेगा वो ऊपर ही रह जाएगा। समझे आप, ये कौन सा मेथड हो जाएगा, इसमें डिकेंटेशन का मेथड हुआ है, पूरा पूरे कंटेनर में आपके ऑयल, ये क्योंकि ऑयल आपकी हमेशा ऊपर ही लेयर बनाएगी, ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, वाटर, इतना लाइट होता है कि इसकी ऊपर ही लेयर बनेगी और नीचे आपका वाटर। फिर इन्होंने क्या किया, इस स्टॉपर को खोला, धीरे धीरे जो नीचे का क्लीन वाटर है वो आपके इस साइड आ जाएगा, और जैसे इनको लगेगा कि ये ऑयल वाला वाटर आ रहा है, ये स्टॉपर को बंद कर देंगे। ये सब हमने क्या पढ़ा, हमने मिसिसिबल इमिसिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाता है ये पढ़ा, ठीक है, और ये क्या था, एग्जाम्पल्स किस चीज़ का था, कि सॉल्युबल सॉलिड ऑफ लिक्विड को कैसे अलग किया जाता है, अगर पानी में से नमक को सेपरेट करना है, इवेपोरेशन कर सकते हैं, और डिस्टिलेशन का भी प्रोसेस है हमारे पास। अब हम मिसिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का मेथड पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टू मिसिसिबल लिक्विड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल वाटर एंड कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए इसमें क्या है, मिसिसिबल लिक्विड मतलब जो पानी में आसानी से एक दूसरे के साथ घुल जाए, पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स तो अलग होंगे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों गर्म होंगे, फॉर एग्जांपल, और इनको किया किसके साथ जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, एग्जांपल जैसे वाटर और अल्कोहल इन्होंने लिया, वाटर और अल्कोहल आप मिक्स करोगे तो इजीली मिक्स हो जाएंगे, लोग नहीं देखते नहीं अल्कोहल में वाटर मिला के पीते हैं, तो मिक्स तो ये लोग इजीली हो जाएंगे, पर अब हमको सेपरेट कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मतलब अगर आप वाटर को गर्म करोगे तो प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा,
अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसी की हेल्प से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल व्हेन व्हिच इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द अल्कोहल इवेपोरेट्स एंड इट इज कलेक्टेड बाय कंडेंस एंड द वाटर रिमेन्स इन द फ्लास्क। अब देखिए मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, उसमें वाटर और अल्कोहल दोनों मिला है। अब आप क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। किस बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करेंगे, अल्कोहल की, क्योंकि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। मतलब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पर अल्कोहल की उससे कम रहेगी। तो जब आप कम बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करेंगे तो अल्कोहल तो आपका इवेपोरेट होने लगेगा, मतलब भाप बन के उड़ने लगेगा, बट जो वाटर है वो वही रहेगा नीचे फ्लैक्स में, आपके कंटेनर में। और उसके बाद जो अल्कोहल इवेपोरेट हो रहा है, आप उसे कंडेंसेशन की हेल्प से कलेक्ट कर सकते हैं अलग जगह। यही आपका मेथड है, आई होप आपने समझा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे कंटेनर में वाटर प्लस अल्कोहल है, ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल। अब हम इसको किसके बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करेंगे, अल्कोहल के। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो कम बॉइलिंग पॉइंट है तो थोड़ी सी भी हीट आप इसे देंगे तो जल्दी से इवेपोरेट होने लगेगा, फिर आपका अल्कोहल इवेपोरेट होने लगेगा ऐसे। उसके बाद इसे हम कंडेंसर की हेल्प से स्टोर कर लेंगे और नीचे हमारा क्या बचेगा, वाटर। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में क्या है बच्चों, देखो, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ सॉलिबिलिटी इन चैप्टर 4। हमने सॉलिबिलिटी पहले भी पढ़ा है। शुगर यू एडेड टू वाटर डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन द सब्सटेंस डिजॉल्व इन लिक्विड ब्रेक्स अप इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, दैट इज व्हाई वाटर टेस्ट स्वीट्स। सिंस द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर too small to be seen, the sugar seems to be disappear in the water. The sugar and water together form a solution of sugar in water. The basically मान लीजिए अगर आपने water में sugar मिला दिया तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो solution बन जाएगा, क्योंकि आपने एक liquid में कोई solid चीज़ मिलाई है, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, solution बन जाएगा। Solvent क्या होगा, water आपका solvent होगा, और solute क्या होगा, sugar आपका solute होगा। जैसे हम कहाँ समझेंगे, जैसे हम, चलिए मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, वाटर, ठीक है, ये क्या हो गया, शुगर। अब जो आपको मिलेगा शुगर प्लस वाटर, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है। ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूट, जिसे घोला जाता है, और मिलता क्या है हमें, सॉल्यूशन। समझा आपने, जैसे अगर हम ये कहें, आपने मिल्क का एग्जांपल ले लिया, आपने मिल्क में शुगर मिक्स किया, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, क्योंकि हम जिसे घोलते हैं, किस में घोलते हैं, मिल्क में, तो मिल्क क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट, ठीक है। और दोनों के बाद मिलता जो आपको है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब यहाँ हमें मेथड में दिया हुआ है एग्जांपल, Water can dissolve a large number of substances in it, therefore called universal solvent. देखिए water एकमात्र ऐसा substance है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से घुल सकती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, universal solvent कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, universal solvent. Some substances such as wood or sand do not dissolve in water. Others such as sugar and salt dissolve readily in water. Substances that dissolve readily in water are said to be soluble and substances do not dissolve in water are said to insoluble in water. ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, जो चीज़ पानी में आसानी से घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, सॉलेबल सब्सटेंस। जो चीज़ आसानी से पानी में न घुले उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉलेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, सॉलेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है, आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। इनसॉलेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे सैंड हो गया, वुड हो गया, ठीक है। During the formation of solution, the molecule of solute or solvent remain the same. It is easy to get back both in the original form from the solution. You have already seen the salt can be obtained from the solution of salt and water by heating it till it evaporates, and the water can be obtained by condensing the water vapor form. So basically, इन्होंने क्या कहा, जब हम कोई solution तैयार करते हैं, जैसे आपने water और sugar को मिला के एक solution तैयार किया, तो आप उसको easily अलग भी कर सकते हो। और ये method हमने कहाँ पढ़ा, हमने evaporation में समझा कि जो चीज़ पानी में आसानी से घुल जाती है उसे डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन के प्रोसेस से इजीली अलग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ बताई है। यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। वी कैन से डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट सॉलिबिलिटी ऑन वाटर। देखिए बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है हम उसको पढ़ते हैं। एड सम शुगर टू वाटर, टेक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड स्टिर द शुगर डिसॉल्व, एड मोर एंड मोर शुगर
until no more sugar dissolved. No matter how much you stir, you now have a saturated solution of sugar in water. How many sugar can dissolve in water? Hit the test tube. Does more sugar not dissolve? Try with salt. So basically, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है, उसमें आपने एक स्पून शुगर मिला है वो घुल गया, दो स्पून मिला है वो घुल गया, तीन स्पून मिला है वो घुल गया. अगर आधा किलो शुगर में, मतलब हाफ के जी शुगर एक ग्लास वाटर में मिक्स करेंगे तो वो घुलेगा? पहले बताइए, घुलेगा? मतलब पानी की क्वांटिटी कम कर देंगे और क्या करते हैं, शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो वो घुलेगा? फिर वो घुलेगा नहीं, बस वो हल्का सा मेल्ट होगा बस. तो ये आपका कैसा सोल्यूशन हो गया? सेचूरेटेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, द सोलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. द सोलिबिलिटी ऑफ मोस्ट अदर सब्सटेंस इन वाटर ऑल्सो इंक्रीज विद टेम्परेचर. हाउएवर द सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद लिटिल विद द टेम्परेचर. देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई चीज़ नहीं घुल रही है तो आपकी मम्मा उसे क्या करती है, हल्का सा गर्म करती थी. तो हम किसी चीज़ को अगर टेम्परेचर उसका बढ़ा दें तो वो ईजिली मेल्ट हो जाएगा या घुल जाएगा, ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की सॉल्युबिलिटी, बहुत सारे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उसके टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बदलती है, ये चेंज होती है, ठीक है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल वाटर में ही घुल जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप गर्म पानी में डालोगे तो घुलेंगी, ठीक है. जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एकदम काफ़ी देर तक गर्म करना पड़ता है तब जाके वो ईजिली उसमें मिक्सअप हो जाती है. जबकि इसमें नेक्स्ट में क्या किया, हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद वेरी लिटिल विद टेम्परेचर. सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्ट कैसे घुलेगा, ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर कर दीजिए वो ईजिली से आपका उसमें डिजॉल्व हो जाएगा या आसानी से घुल जाएगा. आई होप आपने इसको समझा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है. देखिए बच्चों, वाटर जो होता है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. पानी में कुछ चीज़ें होती हैं जो आसानी से घुल जाती हैं, उन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलती, हम उसे इनसॉल्युबल कहते हैं. अगर मान लीजिए हमारे पास थोड़ा सा सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, थोड़ा सा वाटर है और उसमें बहुत सारा सॉल्यूट मिलाएंगे तो वो कितनी देर मिक्स होगा? किसी भी चीज़ की कैपेसिटी होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, आपका सेचूरेटेड सोल्यूशन. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में हमें कहा था, हमने यहाँ पढ़ा था कि शुगर टू वाटर टेकन टेस्ट ट्यूब, शुगर डिजॉल्व, एड मोर एंड मोर, नो मोर शुगर डिजॉल्व. फिर क्या होगा, शुगर डिजॉल्व नहीं होगा और फिर उसे हम क्या कहेंगे, सेचूरेटेड सोल्यूशन. क्योंकि अब उसमें शुगर फिर डिजॉल्व नहीं होगा, बस वो हल्का सा गीला होगा क्योंकि उसमें पानी पड़ा होगा, बट वो डिजॉल्व नहीं होगा. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट. देखिए वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सॉल्वेंट के रूप में, हमें पता ही है. एग्जाम्पल्स में इन्होंने क्या दिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, वाटर इज सो एसेंशियल फॉर लाइफ. वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी चीज़ खाते हो, डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर है. वाटर में आसानी से सारी चीज़ें ईजिली घुल जाती है. नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि प्लांट कैन ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल ओनली इफ दे आर सॉल्युबल इन वाटर. प्लांट्स उसी न्यूट्रिशन को सॉइल से ऑब्जर्व कर पाते हैं जो पानी में इजिली सॉल्युबल है. मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन द वाटर. आपके कुछ गैसेज जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पानी में इजिली सॉल्युबल है, इसीलिए जो पानी के नीचे रहने वाले जानवर है वो सर्वाइव कर पाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना इसमें सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है, तो ये पानी में सॉल्युबल है इसीलिए हमें वो दिखता नहीं है डिफरेंस, जो समझ में नहीं आती उनके. फिश जो होते हैं वो इजीली ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और इसलिए वो पानी के अंदर रहकर फिश इजीली अपने गिल से ब्रीथ कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन एरिडेड ड्रिंक्स टू गिव देम अ टैंगी टेस्ट. कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आपके डिसॉल्व हो जाता है इसलिए हमें जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना उसका टेस्ट अलग आता है. देखिए थोड़ी देर बाद आप कोल्ड ड्रिंक को खोल के रख दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो, क्योंकि गैस है वो उसमें कंटेनर में बैठा तो रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाता है. उसके बाद आप उस पानी का टेस्ट जो ड्रिंक पियेंगे, जो आपका कोल्ड ड्रिंक होगा उसका चेंज हो जाएगा टेस्ट. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन दस डिजॉल्व्ड गैस एस्केप फ्रॉम द वाटर व्हेन इट इज हीटेड. दिस कैन इजली बी सीन बाय जेंटल हीटिंग वाटर इन अ पॉट. यू विल सी स्मॉल बबल्स कम आउट मच बिफोर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. दीज आर द बबल्स ऑफ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर.
बेसिकली देखो इन्होंने क्या कहा है, जैसे आप आपने कभी पानी गर्म करते हुए देखा, हल्का सा छोटी छोटी नीचे ना आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे। ये बबल्स हमें क्या बताते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे ही आप हल्का सा भी पानी गर्म करते हो ना, वो जो एयर आपके पानी में मिक्स होता है वो वहाँ से इवेपोरेट होने लगता है, क्योंकि किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी वाटर में घटती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, और ये आपने एग्जाम्पल में देखा। आप पानी को हल्का सा भी गर्म करेंगे तो उसमें छोटे छोटे बबल्स दिखने लगे, वो बबल्स अब उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो बबल्स हमें क्या बताते हैं कि अब एयर इसमें डिजॉल्व नहीं हो पा रहा और वो वहाँ से इवेपोरेट हो रहा है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कॉल कर लीजिएगा। अगर कोई हो सकता है मैंने चैप्टर थोड़ा स्पीड में पढ़ाया हो तो वो भी आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा हम उसे फिर वीडियो कॉल या डाउट क्लासेस के थ्रू क्लियर कर लेंगे। जय हिंद।